सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। पिछले कई दिनों से आप सभी लोग हमें आपकी प्रतिक्रिया बता रहे हैं और उससे आपको यह उपक्रम अच्छा लग रहा है ये हमें पता चल रहा है। ऐसे ही आपके जो भी अनुभव है, प्रतिक्रिया है, वो हमको जरूर बताना। अब हम आज के इस बाल संस्कार वर्ग को आरंभ करेंगे। सनातन संस्था के श्रद्धा स्त्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज के इस बाल संस्कार वर्ग का आरंभ करेंगे। बाल मित्रों, अभी हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ो, एकदम स्थिरता से बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और आंखों के सामने श्री गणेश जी का जो रूप है ना, वो लाएंगे। और मैं जो प्रार्थना अब कहने वाली हूँ वो आप मन ही मन में करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपके ही कृपा के कारण इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में हमें जो भी कुछ आप सिखा रहे हैं वो हमें समझ में आने दो और उसके अनुसार आचरण करने के लिए शक्ति, भक्ति और क्षमता आप ही हमें निर्माण कीजिए। ऐसी आपके चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। बाल मित्रों, अभी हम श्री गणेश जी का एक श्लोक कहने वाले हैं। आप सब भी अगर आपको वो श्लोक आता है ना तो मेरे साथ कह सकते हैं। अपने हाथ वैसे ही जुड़े रखेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, गलत मार्ग पर चलने वाले दुर्जनों का नाश करने वाले सर्वशक्तिमान, कोटि सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे जो कार्य है वो सब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के सफल हो जाए, ऐसी मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी जब पढ़ाई को आरंभ करते हैं तब ये श्लोक कह के फिर पढ़ाई कर सकते हैं। बाल मित्रों, कल के हमारे संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या सीखा था आपको याद है ना? कल हमने कौन सी कथा सीखी थी? तो भारत के दूसरे पंत प्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका सरल और प्रेरणादायी जीवन हमने देखा था। और उसके बाद हमने बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बात सुनी थी और वो थी माता पिता की कैसे सेवा कर सके, उनको कैसे सहाय कर सके और माता पिता और बड़े लोगों को नमस्कार कैसे करना चाहिए। आज आप सबने अपने अपने माता पिता को कल जैसे बताया था उसी तरीके से नमस्कार किया ना? कितना अच्छा लगा होगा सबको। और किस किस ने अपने माँ को मदद की, पिताजी को सहायता की, सब लोग ऐसे कर रहे हैं ना? हम सबको ऐसे ही अपने माता पिता की मदद कर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। हमारा ये जो बाल संस्कार वर्ग चल रहा है उसके बारे में आप अपने मित्रों को भी बता रहे हैं ना? और उनके साथ आप सबको भी इस संस्कार वर्ग में सम्मिलित होना है। और
अपना संपर्क क्रमांक भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपको संपर्क कर सके। चलो बाल मित्रों, अब सबको जो अच्छा लगता है वह संस्कार वर्ग का भाग आ रहा है और वो है कथा। तो बाल मित्रों, अब हम आज की कथा सुनेंगे। ये कथा पांच पांडवों में से एक अर्जुन, आप सबको पता है ना अर्जुन, तो वो अर्जुन की कथा आज हम सुनने वाले हैं। तो अर्जुन और बहुत सारे शिष्य द्रोणाचार्य जी के आश्रम में धनुर्विद्या सीख रहे थे। अर्जुन था ना, वो द्रोणाचार्य जी को बहुत प्रिय था और द्रोणाचार्य की भी उस पर विशेष कृपा थी। लेकिन ये जो बात है ना, वो आश्रम के जो अन्य शिष्य थे उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अर्जुन के साथ बुरा व्यवहार करते थे। एक दिन क्या हुआ, द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों के साथ नदी के ऊपर स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बरगद का पेड़ लगा, उस पेड़ के नीचे सब थे। तब द्रोणाचार्य ने क्या किया, उनको याद आया कि वो अपने कपड़े आश्रम में ही भूल के आए हैं। तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन मैं मेरी धोती आश्रम में ही भूल के आया हूँ, तो तुम जाके वो धोती ला सकते हो क्या? तो अर्जुन बोला, जी गुरुदेव मैं अभी जाता हूँ और वो धोती लेके आता हूँ। फिर अर्जुन वो धोती लाने के लिए आश्रम में गया और यहाँ पे क्या हुआ, द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों के साथ उस पेड़ के नीचे खड़े थे और फिर वो सब शिष्यों को बोल रहे थे। शिष्यों, अपनी धनुर्विद्या गदा इसके शक्ति से भी मंत्र शक्ति में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है और वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो पेड़ है ना, उसके पत्तों को हम छेद लगा सकते हैं और वो भी एक ही बाण से। अब हम देखेंगे वो कैसा होता है। तो द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने भूमि पर एक मंत्र लिखा और फिर उस मंत्र का उच्चारण उन्होंने किया और धनुष पे बाण चढ़ाया और उस बाण का निशाना उस पेड़ पे लगाया। और क्या आश्चर्य, उस पेड़ के जो भी पत्ते थे ना, उस पत्तों पर छेद आ गया। ये सब देखकर सारे शिष्यगण बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उनको भी अच्छा लगा, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने उतना सिर्फ देखा और बाद में फिर द्रोणाचार्य और उनके शिष्य स्नान के लिए नदी की ओर चले गए। बाद में क्या हुआ, अर्जुन गुरुदेव जी के कपड़े लेकर आ रहा था और अचानक से उसकी नजर उस पेड़ पे गई और उसने देखा कि उसके पत्तों के ऊपर छेद हो गए हैं। अर्जुन को लगा, ऐसा कैसे हो गया, जाते समय तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने सोचा कि जरूर आज गुरुदेव जी ने कुछ तो नया सिखाया होगा, उसी के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं तो उस समय नहीं था, अब मुझको कैसे पता चलेगा, ऐसे उसको लगा। तो अर्जुन उस पेड़ के पास जाता है, उसे लगा गुरुदेव जी ने यहाँ पे जरूरी कुछ तो निशान छोड़ा होगा। तो वो देखता है तो उधर भूमि पर गुरुदेव जी के हस्ताक्षर में मंत्र थे। तो अर्जुन को पता चला कि यही है, इसी के कारण ऐसा कुछ हो गया होगा। तो अर्जुन वो मंत्र जो है वो पढ़ने लगता है, एक दो दो तीन बार वो मंत्र पढ़ता है और बाद में वो धनुष हाथ में लेता है, उस पर बाण चढ़ाता है और पूरी श्रद्धा पूर्वक वो क्या करता है, तो वो जो मंत्र थे उन मंत्रों का उच्चारण करता है। जिस पेड़ पर गुरुदेव जी ने निशाना लगाया था उसी पेड़ पर अर्जुन भी बाण छोड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद क्या होता है, तो जिस पत्ते पर एक छेद था उसी छेद के पास में और एक छेद हो जाता है और वो अर्जुन के कारण, उसने जो बाण छोड़ा ना उसके कारण। अर्जुन को ये सब देख के बहुत ही आनंद होता है, उसको बड़ी प्रसन्नता लगती है। तो मैं
गुरुदेव जी ने जो सिखाया है वो अपने आप ही सीख गया। फिर वो संतुष्ट होकर नदी की ओर चला जाता है। फिर द्रोणाचार्य जी और उनके सारे शिष्य नदी में स्नान और वो सब करते हुए फिर से वापस आ रहे थे। वापस आते समय अचानक गुरुदेव जी की नजर फिर से उस पेड़ पर गई तो उनको क्या नजर आया कि उन्होंने तो पत्ते पर एक छेद बनाया था लेकिन अब उन पत्तों पर दो दो छेद दिखने लगे। तो गुरुदेव जी को भी आश्चर्य लगा। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और पूछा, मैंने तो एक छेद बनाया था पत्तों पर, तो ये दूसरा छेद किसने बनाया बताओ। तो वो सारे शिष्य बोलने लगे, नहीं गुरुदेव, हमको तो कुछ पता नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो गुरुदेव जी अर्जुन के तरफ मुड़े और उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या तुमने ये दूसरा छेद लगाया है? फिर अर्जुन को थोड़ा डर लगा कि अब गुरुदेव जी गुस्सा करेंगे क्या मुझ पर, लेकिन वो गुरुदेव जी से झूठ तो नहीं बोल सकता था। तो उसने हाथ जोड़े और वो बोलने लगा, जी हाँ गुरुदेव जी, मैंने ही आपके आज्ञा के बिना इस झाड़ पर बाण चढ़ाया और फिर सारे पत्तों को ये दूसरा छेद पड़ा है। गुरुदेव जी, मुझे लगा कि आपने इन सारे शिष्यों को ये कुछ नया सिखाया है और तब मैं वहां उपस्थित नहीं था, और अगर आपको मुझे फिर से वो समझाना पड़ेगा और आपका उसमें समय जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही ये विद्या सीख लूं। फिर मैंने आपका जो मंत्र जप था उसको अच्छी तरीके से स्मरण किया और फिर ये सारी चीज मेरे हाथ से हो गई। गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, गुरुदेव आपके आज्ञा के बिना मैंने ये सब कुछ किया। ऐसे करके उन्होंने गुरुदेव जी की क्षमा मांगी। ये सब सुनकर गुरुदेव जी अर्जुन से बोले, अर्जुन इसमें कोई चूक की बात ही नहीं है, वैसे भी मैं जब ये सब बातें इन शिष्यों को बोल रहा था, उनको दिखा रहा था, तो उन्होंने ये मंत्र जप का सामर्थ्य देखकर सिर्फ आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं पूछा, गुरुदेव जी ये मैं खुद कर सकता हूँ क्या, या मैं ये करके देखूँ क्या, ऐसे किसी ने भी पूछा नहीं। लेकिन एक तुम ही हो जिसने जिज्ञासा के कारण और उन मंत्रों के ऊपर श्रद्धा होने के कारण ये सब कुछ धैर्य से कर दिखाया और इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए हो, इसीलिए तुम मेरे सर्वोत्तम शिष्य हो। ऐसे सब शिष्यों के सामने गुरुदेव जी ने अर्जुन के बारे में बताया और वैसे भी कहा कि अर्जुन की तरह कोई दूसरा धनुर्धर इस जगह में हो ही नहीं सकता। बाल मित्रों, ये कथा आपको समझ में आई ना? इस कथा से हमको अर्जुन के कितने सारे गुणों का अभ्यास हो सकता है। जैसे पहले उसके मन में जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा के कारण उसके मन में ये प्रश्न पड़ा कि गुरुदेव जी ने क्या सीखा है, वो कैसे किया है। उसके बाद उसके गुरुदेव जी के ऊपर पूरी श्रद्धा थी, उन मंत्रों के ऊपर श्रद्धा थी। बाद में उसको पता चला कि हमने गुरुदेव जी को पूछे बगैर ही ये सब कुछ किया है, इसलिए उसने गुरुदेव जी की क्षमा मांगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, वो अर्जुन के इस कथा से हम सीख सकते हैं। उसने अभ्यास भी कितना अच्छा किया, वो गुरुदेव जी से सत्य बोला। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इस कथा से सीख सकते हैं। सबको अच्छी लगी ना ये कथा? तो हमको भी अर्जुन की तरह ये सारे गुण अपने अंदर लाने हैं और वो लाने के लिए हमको भी ऐसी सारी कथाएं, ऐसे सारे आदर्श व्यक्तियों का आदर्श आचरण अभ्यास करना चाहिए। चलो बाल मित्रों, अब आगे के सत्र में हम नाम जप करेंगे। बाल मित्रों, अभी हम नामस्मरण करने वाले हैं, जैसे हर संस्कार वर्ग में हम करते हैं। तो अब
आप सब बच्चे हाथ जोड़ के एकदम अच्छे तरीके से बैठेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। श्री गणेश जी का रूप अपने आंखों के सामने लाएंगे और एकाग्रता से ये नाम जप करेंगे। सारे तैयार हैं ना? चलो अब हम नामस्मरण शुरू करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। बाल मित्रों, नामस्मरण करने के बाद सबको अच्छा लग रहा है ना? ये नाम जप करते समय आपको कैसा लगा, क्या अनुभव आप कर रहे हैं? ये आप हमें चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, ताकि हमको भी ये पता चलेगा और आप लोग घर पर भी ये नाम जप कर सकते हैं। चलो अब हम आगे की ओर चलेंगे। जैसे हम हर संस्कार वर्ग में कोई तो एक आदर्श कृति सीखते हैं। नमस्कार करने की कृति हमने सीखी, जन्मदिन कैसा मनाना चाहिए ये भी हमने सीखा, तो आज हम ऐसा ही आदर्श आचार कैसे करना चाहिए ये सीखने वाले हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत से आचार बताए गए हैं। उन आचारों का अगर हम अच्छे से पालन करें ना, तो अपना जीवन भी आदर्श और आनंदी बन जाएगा। ऐसी ही एक रोज की कृति है जो हम सब बच्चे करते हैं, उसके बारे में आज हम जानकर लेने वाले हैं। और ये आचार कौन सा है? ये आचार है भोजन। आप सभी बच्चे रोज खाना खाते हैं ना? जब भूख लगती है तब आप माँ को जोर जोर से बोलते हैं ना, माँ बहुत भूख लगी है, अभी के अभी मुझको कुछ तो खाने के लिए दो। क्योंकि अगर हमें खाना नहीं मिला तो कैसे होगा? खाने के बिना हम जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं ना। तो भोजन, इसका मतलब, इसका अर्थ सिर्फ अन्न ग्रहण करना इतना ही नहीं है। भोजन, अन्न ग्रहण, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है, ऐसे कहा जाता है। अन्नपूर्णा माता ने पार्वती माता की ये की हुई पूजा है। अगर ये पूजा है तो उसके पहले बाद में क्या क्या हमें करना चाहिए ये भी आज हम सीखने वाले हैं। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान देके ये सारी चीजें सुनेंगे। सभी बच्चे पूरा ध्यान देके ये सब सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान आसान कृतियां है जो हम अपने आचरण में ला सकते हैं। तो भोजन के लिए पहले हमको क्या करना है? तो जहां पर हम भोजन के लिए बैठने वाले हैं, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। बाद में हम अपने हाथ पैर अच्छी तरीके से धो के फिर ही भोजन के लिए आएंगे।
भोजन के लिए बैठने के लिए हम आसन बिछाकर ही बैठेंगे, ऐसे ही जमीन पर भोजन के लिए नहीं बैठना चाहिए। बाद में हम श्लोक का पठन करेंगे। ये श्लोक कौन सा है ये श्लोक भी हम आज सीखेंगे। ये श्लोक है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम् दीक्षां देही च पार्वती। ये श्लोक हम भोजन के पूर्व कहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम अन्नपूर्णा माता को प्रार्थना करेंगे, उनसे कहेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आपके ही कृपा से हमें ये भोजन मिला है। ये भोजन यानी आपका ही प्रसाद है। इस प्रसाद से हमें चैतन्य और शक्ति मिले, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। और बाद में मैंने पहले वाले सत्संग में जो बोला था कि हमें नाम जप करते ही भोजन करना है, कोई भी टीवी के सामने बैठकर भोजन नहीं करेगा, ध्यान में आया ना अब तक का सब। अब ये सारी चीजें होने के बाद और दो तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो ये है कि हमें कभी भी एक दूसरे का झूठा खाना नहीं खाना है। और दूसरी बात, हमें भूमि पर कोई भी अन्न या अन्न के टुकड़े नहीं गिराने हैं। इसका हम ख्याल रखेंगे और शांततापूर्ण प्रसन्न भाव से ये भोजन हम ग्रहण करेंगे, तब हमारे शरीर और मन के लिए भी वो अच्छा रहेगा। अगर खाते समय कोई भी अन्न का कण या कुछ अन्न के टुकड़े भूमि पर गिरते हैं ना, तो खाना हो जाने के बाद हमें वो तुरंत उठाने हैं। ऐसा हमें क्यों करना है? हमने अभी देखा ना कि ये अन्नपूर्णा माता का प्रसाद होता है, तो उस पर किसी का अनजाने में पैर पड़ गया तो वो अन्नपूर्णा माता का अपमान होगा। इसलिए हमको वो जो अन्न के कण है वो तुरंत इकट्ठा करने हैं। और हमारा भोजन अब हो गया, अब हम क्या करेंगे? तो भोजन होने के उपरांत हम अन्नपूर्णा माता के चरणों प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि हे अन्नपूर्णा माता, आपके कृपा के कारण ही हमें ये भोजन मिल पाया, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो बाल मित्रों, आपको ये सारी चीजें समझ में आई ना? हम रोज भोजन करते हैं, लेकिन उस छोटी सी कृति में भी कितने सारे शास्त्र हैं या फिर कितनी सारी आदर्श कृतियां हैं जो हम अपने आचरण में ला सके। अपने संस्कार वर्ग का यही उद्देश्य है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में जो भी कुछ आदर्श आचरण बताए हैं, जो आदर्श आचार बताए हैं, वो सारे अब हम अभी से, हम अभी बच्चे हैं ना, तो अभी इस ही उम्र से अगर हम वो सारे अपने आचरण में लाएंगे ना, तब हम जब बड़े होंगे ना, तब इसका हमको बहुत फायदा होगा। तो सारे बच्चे आज से भोजन करते समय ये सारी चीजों का अवश्य ध्यान रखेंगे, चलेगा ना? अब बाल संस्कार वर्ग में आगे हम स्तोत्र सुनने वाले हैं। आज हम श्री गणपति अथर्व शीर्षक, ये श्री गणेश जी का स्तोत्र सुनने वाले हैं। सभी बच्चे हाथ जोड़ के और मन को एकाग्र करके अपनी आंखें बंद करेंगे। श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और ये गणपति अथर्व शीर्षक सुनेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिश्रुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्योषेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वचमि, सत्यं वचमि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानूचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमीष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिताः सन्धिः। सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ एतदथर्वशीर्षंयोधीते सब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्नबाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्
यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यय्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नञ्जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्जसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते ससर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेदा इत्युपनिषत ॐ भद्रं कर्णेभिश्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु वा विद्विषावहै ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः। बाल मित्रों, ये जो सारे स्तोत्र है ना, ये सारे संस्कृत में है और इस संस्कृत वाणी के कारण हमारे उच्चार स्पष्ट हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं और इस संस्कृत के कारण हमारी वाणी शुद्ध स्पष्ट हो सकती है, इसलिए हमको ये स्तोत्र घर पर भी कहने होंगे, उसको हम घर पर भी लगा के रख सकते हैं। चलो बाल मित्रों, फिर आज इस संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा? तो पहले हमने वक्रतुंड महाकाय ये श्लोक सुना, उसके बाद हमने अर्जुन की कथा सुनी। उस कथा से हमको अर्जुन के कितने सारे गुण सीखने को मिले। बाद में हमने आदर्श आचार, इसमें भोजन के पहले और बाद में क्या क्या करना चाहिए ये भी सीखा है। और अभी हमने गणपति अथर्वशीर्ष सुना। तो हम सब बच्चे आज जो भी कुछ सीखा है वो सारा आचरण में लाएंगे ना? चलो अब हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से हमें इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर मिला है। आज आपने हमें बहुत सारी नई चीजें सिखाई है, इसके लिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, इस संस्कार वर्ग के बारे में आप अपने अन्य मित्रों को भी जरूर बताना। स्क्रीन पर आप जो तलपट्टी देख रहे हैं, वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमको भी संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इस वेबसाइट को भी आप अवश्य भेजते ताकि आपको और बहुत सारी जानकारी उस वेबसाइट के द्वारा मिल सकती है। तो मेरे प्यारे बाल मित्रों, कल एक और नई अच्छी कहानी और भी बहुत से आचार धर्म के और धर्माचरण की कृतियां सीखने के लिए
सारे बच्चे बाल संस्कार वर्गों को जुड़ेंगे ना? चलो आज हम यहाँ पर ही रुकेंगे, कल फिर से हम ठीक 11:15 बजे मिलेंगे। तब तक नमस्कार।